Audio Jungle. इंदौर शहर के सर्वानंद कॉलोनी में काफी समय पूर्व से भूमाफिया एवं असामाजिक तत्व सक्रिय होकर निरंतर शासकीय एवं सार्वजनिक भूमि गार्डन सड़क पर कब्जे के अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसी के चलते सर्वानंद रहवासियों ने भवरकुआं टीआई संजय शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने बताया कि काफी समय से भूमाफिया आए दिन लोगों को डरा धमका रहे हैं, अवैध बिल्डिंग और अवैध जमीन पर कब्जा करने के इरादे से रोज आते हैं। वहीं गार्डन में लगे सारे पेड़ पौधों पर एसिड डालकर उन्हें जला दिया और जब थानों पर कई बार शिकायत दर्ज कराई तो कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई। काफी समय से रहवासी परेशान हो रहे हैं। बताया गया कि कई शिकायत दर्ज न होने में कहीं ना कहीं नेताओं का भी हाथ है, साथ ही पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। ये परेशानी है कि हम लोग पहले यहाँ कॉलोनी में कोई मंदिर नहीं था, कोई गार्डन नहीं था, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या एक ही गार्डन बना और यहाँ पर ना सिर्फ छत थी और ये बाकी पूरा ओपन था। तो हमने कहा कि ना गार्डन है पूरी कॉलोनी में और ना ही मंदिर है, तो ये दो चीज़ तो होनी चाहिए ना। तो हमने फिर अपने हिसाब से हमने सब लेडीज़ों ने मिलकर ये सोचा कि भाई अपन एक गार्डन तो खैर उन लोगों ने बना के दे दिया कॉलोनी वालों ने, मंदिर आप लोगों ने बनवाया, मंदिर हम लोगों ने बनवाया। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये ना ये भी जा रहा है, ये इसको मतलब प्लॉट में वो कर दिया है सेल। हाँ गार्डन का जो अवैध कब्जा हो रहा है टीआई साहब को दिया, टीआई साहब ने बोला कि एसडीएम से संपर्क करें, एसडीएम को भी आवेदन दें, उनका ही डिपार्टमेंट है, मेरा इसका डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं जाँच करवाऊँगा। ये जो है अभी जो लोग आए थे उन लोगों ने धमकाया वो तो मतलब किसी दूसरे के द्वारा हमको धमकाते हैं, वो डायरेक्ट खुद तो सामने कोई भी आज तक आया नहीं है, बोले आप क्या उखाड़ लोगे। हाँ ये थाने के अंदर ये तो खबर है, क्राइम है ना। हाँ क्राइम है तो आप खुद ही समझ सकते हैं। थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने कल मीडिया को इस मुद्दे पर बाइट देने से भी मना कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले में हेर फेर कर रही है। इंदौर से भारती व्यास की रिपोर्ट।